Hey guys, welcome to B4P. एक डिस्ट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा कंसर्न्ड होता है अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ROI को लेकर कि ROI कैलकुलेट कैसे होता है। एंड आज आप और हम दोनों एक्सेल शीट पर साथ में सॉल्व करके ये निकालेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर ROI एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो यू विल फाइंड टू लिंक्स। द फर्स्ट वन विल बी अनसॉल्व्ड एक्सेल शीट एंड द सेकेंड वन विल बी सॉल्व्ड एक्सेल शीट। सो आई रिक्वेस्ट कि आप अनसॉल्व्ड एक्सेल शीट डाउनलोड करें एंड हमारे साथ साथ वीडियो देखते देखते डिस्ट्रीब्यूटर ROI निकाले टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो चलिए शुरू करते हैं। इन नॉर्मल केसेस अगर आपको ROI निकालना होगा तो यू विल डिवाइड रिटर्न्स बाय इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटर्न्स आर नथिंग बट अर्निंग्स माइनस एक्सपेंसेस। सो यही तीन कॉम्पोनेंट एक डिस्ट्रीब्यूटर के ROI के लिए भी रेलिवेंट होते हैं, अर्निंग्स माइनस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट्स। बट द गेम लाइज की इन तीनों में सब कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, वॉट आर अर्निंग्स फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर, वॉट आर द एक्सपेंसिस विच अ डिस्ट्रीब्यूटर हैज टू बेयर एंड उसकी इन्वेस्टमेंट्स किन चीजों में होती है। तो सबसे पहले अर्निंग्स। सो अर्निंग्स फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर इज नथिंग बट टोटल बिजनेस एक कंपनी की वो जितनी भी सेल करता है इनटू द मार्जिन, वो कंपनी मार्जिन कितना प्रोवाइड कर रही है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 10 लाख रुपीज की सेल करी है टू द होल सेलर्स एंड रिटेलर्स एंड सेल पे उसका 5% का मार्जिन है, सो 10 लाख का 5% इज 50,000 आर द अर्निंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर। दैट्स द फर्स्ट कंपोनेंट। इन द सेकंड कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन सैलरी पे करता है, दैट इज हिज एक्सपेंस। डिलीवरी वैन्स का खर्चा उठाता है, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। अकाउंटेंट सैलरी, वेयर हाउस रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, दोज आर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर। एंड द थर्ड कॉम्पोनेंट इज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे कैलकुलेट होती है। सो एक डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेस्टमेंट 3 टाइप्स में डिवाइड हो सकती है। द फर्स्ट वन इज मार्केट क्रेडिट। एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट करती है कि वो रिटेलर्स को जब स्टॉक प्रोवाइड करे तो उनसे अपफ्रंट एंड इंस्टेंट पेमेंट ना मांगे एंड कंपनी की गुडविल बिल्ड हो रिटेलर्स के पास कि ये कंपनी स्टॉक प्रोवाइड कर देती है एंड एक हफ्ते बाद उसका पेमेंट लेती है। सो दैट हेल्प्स द रिटेलर्स, जब उनको अपफ्रंट पेमेंट नहीं करना होता उनको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हेल्प मिल जाती है। बट इफ यू सी फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्ट्रीब्यूटर ने तो स्टॉक सप्लाई कर दिया है रिटेलर्स को, उस जिसका अभी तक उसको पेमेंट नहीं मिला, जो एक हफ्ते या 10 दिन के बाद मिलेगा उसे, एंड दिस इज वन ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स। उसने इन्वेस्ट किया है कंपनी के बिहाफ पर इन द मार्केट इन फॉर्म ऑफ मार्केट क्रेडिट, उधार पे जो उसने स्टॉक सप्लाई किया है। सो दैट इज वन ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स। द सेकंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। जब तक एक कंपनी का स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस या फिर गोडाउन में रखा हुआ है, जब तक वो सेल नहीं हो जाता तब तक वो आइडल स्टॉक है। दैट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूटर मनी लाइंग इन द वेयर हाउस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के बिहाफ पे, क्योंकि वो कंपनी का स्टॉक है। दैट इज वाई द सेकंड कंपोनेंट इज इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, और वी कैन से इन्वेस्टमेंट इन क्लोजिंग स्टॉक। एंड द थर्ड कंपोनेंट विद इन इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन क्लेम्स। सो एक कंपनी अपने रिटेलर्स को से ज्यादा परचेज अपने प्रोडक्ट को पुश करने के लिए स्कीम्स रन करती है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने नोटिस किया कि एक सिटी में जितने रिटेलर्स हैं ऑन एन एवरेज 8 यूनिट्स परचेज करते हैं एंड उनको इस 8 को 10 करना है। सो कंपनी एक स्कीम रन करेगी कि अगर 10 यूनिट्स एक रिटेलर परचेज करता है तो उसको 2% का एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा। एंड ये जो 2% का एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ये एक रिटेलर को मोटिवेट करता है कि वो 8 यूनिट्स की जगह 10 यूनिट्स परचेज करे। बट ये जो 2% एक्स्ट्रा मार्जिन है कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को कहती है कि फॉर नाउ आप अपने पॉकेट से 2% को फंड कर दीजिए, हम इसको आपको रिटर्न कर देंगे जब आपका पेमेंट करने की बारी आएगी। सो दोज आर द क्लेम्स। डिस्ट्रीब्यूटर एक क्लेम डालेगा कंपनी में कि जो मैंने आपके बिहाफ पे स्कीम मार्केट में रन करी थी, जो मैंने मार्जिन एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया था रिटेलर्स को जिसकी वजह से मुझे कम पेमेंट मिली है रिटेलर से, उसको आप रीइंबर्स कर दीजिए। सो दैट इज द इन्वेस्टमेंट इन क्लेम। एंड नाउ वी विल जंप ऑन द एक्सेल शीट टू सी अ लाइव एग्जांपल कि डिस्ट्रीब्यूटर ROI कैलकुलेट कैसे होता है। बट बिफोर दैट लेट्स टेक एन अजम्पशन विच इज अ रियलिटी, ऐसा रियल सिनेरियोस में होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर 3-3 कंपनीज का स्टॉक रखता है टू इंक्रीज हिज अर्निंग, राइट। सो यहाँ पे वी हैव टेकन कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो नेस्ले का फूड्स का स्टॉक रखता है, डाबर का हेल्थ केयर का स्टॉक रखता है एंड यूनिलीवर हिंदुस्तान यूनिलीवर का होम केयर का स्टॉक रखता है। दीज ऑल आर नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग कैटेगरीज, राइट। ऐसा नहीं होगा कि फूड्स का नेस्ले का भी रखे एंड डाबर का भी फूड्स रखे, सो दैट विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। बट नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग कैटेगरीज में ही और शी कैन कीप द स्टॉक्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। एंड यहाँ पे वी विल अज्यूम दैट वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम डाबर्स पर्सपेक्टिव, वी आर एन ASM ऑफ डाबर एंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव
we are calculating the ROI of distributor. So let's jump into the Excel sheet. So now we are on our Excel sheet and यहाँ पे हम लोगों ने distributor ROI का formula यहाँ पे लिखा हुआ है, where there are three components again, just a revision, earnings, expenses and investments. And these are the heads. The first head, which is earnings. So monthly business एक distributor कर रहा है 60 lakhs का, but remember कि ये all three companies included है, Nestle, Dabur and HUL. राइट right. बट इसमें से क्योंकि हम लोग डाबर के परस्पेक्टिव से निकाल रहे हैं, सो वील सी कि मंथली बिजनेस को डाबर का कितना कर रहा है. सो फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन हियर 25 लाख का वो डाबर का स्टॉक सेल कर रहा है एंड रिमेनिंग अमाउंट वो बाकी दो कंपनीज का सेल कर रहा होगा. सो डाबर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द टोटल बिजनेस इज 25 लाख डिवाइडेड बाय 60 lakhs. So 42% Dabur contribute कर रही है towards his business. And the company margin which Dabur is providing is 6%. This might vary from company to company. 5 to 6% ही usually होता है for big FMCG. So total earnings would be equal to 25 lakhs जो उसका business है. And 6% the margin which the company is providing. So which comes out to be 1,50,000. That is the earning which the distributor is doing. So earnings is as simple as this. Earnings mein aur kuch bahut zyada complicated cheez nahi hai. 1,50,000 is the earning of the distributor from Dabur. The second component is of expenses, and expenses can be divided into two parts: direct expenses and indirect expenses. The difference in direct expenses and indirect expenses is jo aapke business core business ko support karne ke liye directly expenses aap incur karte hain, those are direct expenses. And jo miscellaneous jo support expenses hote hain which facilitate the operations of business, those are indirect expenses. So direct expenses mein we see salesman salary. So salesman salary, ek salesman 15,000 per month leta hai, just an assumption. And yahan pe the number of exclusive salesmen are 2. And the number of shared salesmen is also 2. What do I mean by exclusive salesmen? ये वाला जो salesman होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डाबर का ही order लेके आता है market से, जब ये retailers को visit करता है. ये Nestle and HUL के orders नहीं लेके आता, but the shared salesman, ये तीनों company के order लेके आएगा. ये जाके market से, क्योंकि retailers common भी होंगे, काफी ज्यादा overlap भी कर रहे होंगे, so वो HUL के भी order ले लेता है जब एक retailer को visit करता है, वो Nestle के भी ले लेता है, वो डाबर के भी order ले लेता है. So जो shared salesman होगा, उसका obviously expense भी shared होगा. एक कंपनी तो उसको बेयर करेगी नहीं. सो एक्सक्लूसिव सेल्समैन की सैलरी जो होगी वो कंपनी एक्सक्लूसिवली बेयर करेगी. सो विच इज 15,000 इनटू 2. सो 30,000 का एक्सपेंस जो होगा दैट विल बी एक्सक्लूसिव टुवर्ड्स डाबर. एंड जो शेयर्ड सेल्समैन होंगे उनका ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस भी शेयर्ड होगा. सो दैट विल बी इक्वल टू 15,000 इनटू द नंबर ऑफ शेयर्ड सेल्समैन डिवाइडेड बाय 3 कंपनीज के ऑर्डर लेके आ रहा है वो. सो 10,000 रुपीज, राइट. And the next comes out to be delivery van expenses. So delivery van के through delivery जो हो रही है, उसमें delivery van में भी एक बंदा बैठा होगा जो जाके retailers को stock provide करता होगा. So उसके let's assume कि monthly expenses उसके भी 15,000 होते हैं. And वो exclusively Dabur की delivery van है, वो और दूसरी companies के लिए उसको use नहीं कर रहा है. And this will be the total. So salesman salary exclusive plus shared plus the delivery van expenses. So 55,000 is the direct expense. The next comes indirect expenses. Indirect expenses mein the distributor would have kept an accountant and an MIS employee jo pura company ka hisab dekhta hoga, teenon company ka hisab dekhta hoga. So that is 13,000 usko salary pe milti hogi. Monthly godown rent jahan pe wo godown mein saman rakh raha hai, उसका रेंट प्रोबेबली वो पे करता होगा जहां पे वो तीनों कंपनीज का सामान रख रहा है. इलेक्ट्रिसिटी एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस लेट से 7,000 के होंगे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट के, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर. सो द टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वुड बी द सम ऑफ दीज थ्री. एंड ये क्योंकि वो तीनों कंपनीज के लिए, गोडाउन में तीनों कंपनीज के स्टॉक रखे हुए हैं, एक अकाउंटेंट वो तीनों कंपनीज के लिए रख रहा है, एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी वो तीनों कंपनीज के लिए पे कर रहा है. नाउ यू कैन डिवाइड दीज टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि वो तीन कंपनीज के लिए बेयर कर रहा है, बाय 3. बट इफ यू सी द बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डाबर इज नॉट 1/3, दैट इज नॉट, इट इज नॉट 33%, इट इज एक्चुअली 42%. एंड क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेल्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, सो कुछ कुछ कंपनीज ये कहती हैं कि आप इसको डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 3 मत करिए, वरना नेस्ले का कॉस्ट ज्यादा दिखेगा यहाँ पे. दिस यू शुड डिवाइड बाय अकॉर्डिंग टू द सेल्स, आप किस कंपनी का कितना बिजनेस कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको डिवाइड करिए. सो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हैं, बट कुछ प्रपोर्शन में बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल. सो यहाँ पे 32,000 की सेल हो रही है एंड वी आर कैलकुलेटिंग फॉर डाबर. सो जस्ट फॉर वेरिएशन वील टेक कि डाबर का 42% का स्टॉक सेल हो रहा है. सो 42% ऑफ दिस 32,000 वुड बी बोर्न बाय डाबर. सो 13,440 रुपीज वुड कम आउट टू बी द एक्सपेंस फॉर डाबर.
आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. एंड द थर्ड कॉम्पोनेंट कम्स आउट टू बी ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट में हम लोगों ने सबसे पहले जो हम लोगों ने बात करी थी क्लेम्स आउटस्टैंडिंग. सो लेट से एक डिस्ट्रीब्यूटर के 10,000 के ऑन एन एवरेज क्लेम्स आउटस्टैंडिंग रहे हैं थ्रू आउट द मंथ. मार्केट क्रेडिट उसने ऑन एन एवरेज रिटेलर्स को 20,000 का मार्केट क्रेडिट प्रोवाइड किया है इन दिस पर्टिकुलर मंथ. एंड द थर्ड पार्ट इज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री. एंड यू माइट बी थिंकिंग यहाँ पे मैंने खाली क्यों छोड़ा हुआ है सेल को, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का भी एक तरीका होता है. हम लोग डायरेक्टली ये नहीं देखते कि मंथ एंड में एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितना इन्वेंट्री का स्टॉक रखा हुआ है, बिकॉज मंथ एंड पे हमेशा ही इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हाई होगी क्योंकि मंथ एंड पे सेल्स टारगेट अचीव करने होते हैं. देयरफोर अगर हम लोग सिर्फ मंथ एंड के हिसाब से इन्वेंट्री निकालेंगे तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आएगा, विच मेक्स द डिनोमिनेटर बिगर. एंड ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटर का आरओआई यूजुअली जितना होगा थ्रू आउट द मंथ उससे काफी कम दिखेगा इन द मंथ एंड. दैट इज व्हाई वी कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री. सो वीक के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक एक डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस में रखा रहता है उससे हम लोग हर वीक नोट डाउन करते हैं एंड उसका एवरेज जो होता है दैट कम्स आउट टू बी द एवरेज इन्वेंट्री. एंड दिस ऑल्सो वी विल सी थ्रू एन एग्जाम्पल की एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होती है. सो यू शुड कम ऑन द सेकेंड शीट एंड यहाँ पे यू कैन सी द ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ वीक वन में. ओपनिंग स्टॉक मतलब लास्ट मंथ में जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस मंथ का ओपनिंग स्टॉक होगा एंड दैट इज 3 lakhs. सो मंथ के स्टार्टिंग में एक वेयर हाउस में डिस्ट्रीब्यूटर वेयर हाउस में 3 lakh का स्टॉक ऑलरेडी रखा हुआ है. एंड प्राइमरी वो होता है जब डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से स्टॉक खरीदता है उसे प्राइमरी कहते हैं एंड जब एक डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स को स्टॉक सेल करता है उसे सेकेंडरी कहते हैं. सो प्राइमरी की बात के साइड में मैं लिख देता हूँ इनकमिंग स्टॉक एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटगोइंग सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर. सो आउटगोइंग राइट. सो यहाँ पे वीक वन में प्राइमरी जो थी एक डिस्ट्रीब्यूटर ने 40,000 का स्टॉक परचेज किया राइट एंड सेकेंडरी उसने रिटेलर्स को 1 lakh का स्टॉक सेल किया एंड यहाँ पे हम लोग 3 lakh प्लस 40,000 माइनस 1 lakh. सो 3 lakh प्लस द प्राइमरी स्टॉक माइनस द सेकेंडरी विच कम्स आउट टू बी द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक. तो सैटरडे को यहाँ पे 2,40,000 का स्टॉक रखा होगा एंड नेक्स्ट एंड यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट वीक. 2,40,000 का ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है नेक्स्ट मंडे को राइट. एंड अगेन प्राइमरी यहाँ पे हुई है 60,000 की, सेकेंडरी हुई है 1,50,000 की. सो वी विल जस्ट कॉपी द फॉर्मूला डाउन. यहाँ पे सी 2,40,000 में 60,000 का स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा सो 3 lakh का स्टॉक हो गया एंड देन 1,50,000 का रिटेलर को सेल कर दिया. सो द क्लोजिंग स्टॉक कम्स आउट टू बी 1,50,000 एंड सिमिलरली वी विल डू दिस फॉर द नेक्स्ट 3 weeks एज वेल. एंड एज यू कैन सी यहाँ पे जो वीक 4 का क्लोजिंग स्टॉक आया मतलब मंथ एंड पे क्लोजिंग स्टॉक आया है इट हैज कम आउट टू बी 4 lakh जो बाकी किसी भी फिगर से काफी ज्यादा हाई है. एक्चुअली दिस इज जस्ट एन एनोमली. सो अगर हम लोग इसको ले लेते तो डेटा काफी ज्यादा स्क्यूड हो जाता. दैट इज आई वी टेक द एवरेज. एंड कुछ कुछ कंपनी में यू वोंट बिलीव कि एवरी डे क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट होता है एंड उन सारे क्लोजिंग स्टॉक्स का एवरेज लिया जाता है. या जैसे हम लोग यहाँ पे हर वीक का ले रहे हैं, कुछ कुछ कंपनीज में हर दिन के बेसिस पे लिया जाता है सो दैट द फिगर कम्स आउट टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर एग्जाम्पल. यहाँ पे वी विल टेक द एवरेज ऑफ सो विच कम्स आउट टू बी 2,35,000. सो दैट इज द एवरेज क्लोजिंग स्टॉक. सो 2,35,000. सो नेट इन्वेस्टमेंट कम्स आउट टू बी द सम ऑफ दीज 3 figures विच इज 2,65,000. एंड नाउ वी हैव ऑल द 3 components एट आर डिस्पोजल. द फर्स्ट वन विच इज इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट एक्सपेंसिस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस का टोटल विच विल गिव अस द टोटल एक्सपेंसिस एंड देन द अर्निंग्स. So we have all the 3 components and now it is extremely easy to calculate the ROI. The first thing which is earnings minus the expenses, right? So expenses mein direct expenses plus indirect expenses. So yahan pe and this entire thing will be divided by the investments. So yahan pe we have done everything right and 30% would come out to be the ROI. 30.78 would come out to be the ROI of this particular distributor. And coming back to right where we started, yahan pe distributor ROI ka this is the formula. Earnings ke yahan pe components diye hue hain, expenses ke yahan pe components diye hue hain and investments ke bhi yahan pe components diye hue hain. Ek distributor multiple companies ka stock rakh sakta hai. So accordingly you will calculate the ROI.
Thank you so much for watching this video, guys. We were very excited for this particular video because calculating distributor ROI is extremely, extremely essential. And we hope ki aapko is video ke through kuch naya seekhne ko mila hoga. And if that has happened, do drop us a like and also subscribe to our channel because we have to keep YouTube Baba happy as well. Moreover, our next video is going to be upon trade marketing, which is extremely essential for any company because 70% of the consumer decisions of purchasing a good are taken on the point of sale, retailer end pe. And retailer end pe jitni bhi marketing hoti hai, posters, dangler and the shelf branding, that comes into the purview of trade marketing. Moreover, aap jitni bhi consumer promotion schemes dekhte hain, like buy one get one free, after 20% off, that decision is also taken by the trade marketing team, which is headed by trade activation manager. We also call them TAMs. So in that video, we will see what all are activities undertaken by a trade activation manager and trade marketing team. So do watch that video. You'll get to learn a lot. Thank you so much and Godspeed.